साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई आवाज को क्या हुआ है महरोली वालों के, ऐसी आवाज होती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सब लोग दोनों हाथ, एक मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भैया आप तनिक सुन लो, 12 बजे मोदी जी आएंगे। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थ जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई रमेश विधुड़ी जी, मंच पर उपस्थित अलग अलग खापों के सभी प्रधान साहिबान, चौधरी जयनारायण जी, चौधरी जगरीमन जी, चौधरी भीम सिंह जी, चौधरी फूल सिंह जी, चौधरी नेकीराम तंवर जी, पंडित छोटेलाल जी, चौधरी नरेश प्रधान जी, अन्य भी खापों के प्रधान यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मित्रों आज हम सब भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है कि आज के ही दिन दो ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देश भर में आज भी श्रद्धेय अटल जी को नाम देते ही उनकी ओजस्वी वाणी हमारे स्मरण पर आती है। आज श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है और दूसरा भारत रत्न महामना मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी देश की आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े नेता तो रहे परंतु बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने भारतीयता और हिंदू दर्शन शास्त्र को एक लंबी आयु प्रदान करने का काम किया। आज मालवीय जी का भी जन्मदिन है। आज के दिन आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 12 बजे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक ही क्लिक दबाकर 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में, और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच। इसको कहते हैं किसानों का हितेश। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तब से किसानों के हित को सर्वोपरि प्रायोरिटी दी है। मित्रों मैं कुछ आंकड़े देश के किसान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265 मिलियन टन था और आज वो उत्पादन बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंचाने का श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है। और किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी,
जब आपकी सरकार थी, शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे 2013 में 13-14 में किसानों के लिए कितना बजट देते, 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब किसानों का बजट था 21,933 करोड़ रुपया, 21,900 करोड़ रुपया। कितना था भाई बोलो? सिर्फ 21,900 करोड़ रुपया। अभी मोदी जी ने बजट रीड दिया, अंतिम बजट में 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़। अरे हमारा हिसाब मांग रहा, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। अरे भाई आप किसानों को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया देते थे, मोदी जी ने इतने कम समय में 21,000 करोड़ में बढ़ोतरी करते 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 1,34,400 करोड़ रुपया तक पहुंचा है। मित्रों एमएसपी की बात करते हैं, मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहने चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी है और हमेशा के लिए रहने वाली। और कम से कम यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मित्रों मांग थी या नहीं थी बताओ, थी या नहीं थी? 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव 1.5 गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का। मित्रों 2009 से 2014 के बीच धान और गेहूं की खरीदी के लिए 3,74,000 रुपया खर्च होता था, सिर्फ 3,74,000 करोड़। ये जो बात करते हैं किसानों के हित की, मैं उनको पूछने आया हूं, आप जब शासन में थे क्या करते थे? 3,74,000 करोड़ रुपया खर्च करते थे, मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 3,74,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,22,000 करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीद। और आप हमें पूछ रहे, इसके अलावे मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं किसान के लिए लाए, मुद्रा स्वास्थ्य योजना, जमीन आपकी कैसी है, भूमि कैसी है, कौन सा खाद कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, इस सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, नीम कोटेड यूरिया कर यूरिया की कालाबाजारी को समाप्त कर दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, उत्तर भारत में पूरे रवि हो या खरीफ यूरिया के लिए लाठियां भांजी जाती थी, कभी भी यूरिया की लाइन देखी है क्या? सब जगह यूरिया मिलने लगी क्योंकि नीम कोटेड करने से कालाबाजारी बंद। 1,000 मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर देश भर में सबसे ज्यादा भाव मिले, इसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 6.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को दी, 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। शहद उत्पादन के लिए और 500 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों मैं अंत में इतनी ही बात करना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी अपनी बात करेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी जो विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है कृषि सुधार बिलों पर, मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। एमएसपी बंद होगी,
ना आपकी भूमि को कोई आपसे छीन लेता है, छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूँ, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉरपोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। मित्रों, मंडियां भी चालू रहने वाली है। एक कूड़ा झूठ फैलाते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश विदुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा झूठ फैलाएगा। ये जो सुधार मोदी जी लेकर आए हैं, 2001 में शंकरलाल गुरु समिति ने दिया, 2001 में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो सरदार मनमोहन सिंह के बहुत प्रिय थे इन्होंने दिया, शरद जोशी टास्क फोर्स ने दिया, 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में आया, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी है, और शरद पवार जी के समय में जो समिति बनी इसने भी इसी को आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र के अंदर ये प्राइवेट मार्केट शरद पवार जी ने कब के कर दी है, और अबे रुदालियों की तरह रोना शुरू किया है, क्योंकि देश की जनता ने उनको निकाल दिया है। देश की जनता ने अपने दिल में से उनको निकालकर नरेंद्र मोदी को, तो किसानों के नाम पर ये जो कोहराम देश में मचा है, कुछ जगह पे मचा है, देश भर के किसान सहन सहन से फोन कर हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी का समय लेकर मिलने जाते हैं, और ये तीनों अध्यादेशों को, तीनों कानूनों को अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि किसानों के हित में। फिर भी अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के एक प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पर बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। मगर ये पूरी विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मित्रों, 2014 और 19 में 30 साल के बाद एक गठबंधन सरकारों का दौर समाप्त कर मोदी जी को पूर्ण बहुमत किसानों ने दिया है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कोई एक है तो किसानों का कल्याण है, इसके अलावा कोई। मित्रों, मैं आप सभी को, आज जब मोदी जी 18,000 करोड़ रुपया इतने बड़े किसान समुदाय को, 9 करोड़ किसानों को ट्रांसफर करने वाले हैं, तब मैं मन से बधाई देता हूं सभी किसान भाइयों को, और ये वादा भी करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आपके कल्याण के लिए सदैव अहर्निश काम करती रहेगी, और आपकी आय दोगुनी करने का संकल्प सिद्ध कर ही हम चैन से दम लेंगे। इतना वादा कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी मोदी जी आएंगे, हम सबको संबोधित करेंगे, हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर मोदी जी के संबोधन को ध्यान से सुने और देश के हर किसान तक पहुँचाए, यही अभ्यर्थना। भारत माता की। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।